प्रदेश में सशर्त सामान ढुलाई के लिए मालवाहक वाहनों को मंजूरी मिलने के बाद टैक्सी चालकों ने भी सरकार से टैक्सियां चलाने की मांग की है। महाकाली टैक्सी ऑपरेटर यूनियन अर्की ने सरकार व प्रशासन से उन्हें भी टैक्सी चलाने की परमिशन देने की मांग उठाई। अर्की में दी महाकाली टैक्सी मैक्सी यूनियन ने सरकार व प्रशासन से टैक्सी चलाने की परमिशन देने की मांग की है। यूनियन के प्रधान नरेंद्र ठाकुर व सदस्य चंद्रप्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार व प्रशासन ने प्रदेश में ट्रकों को सामान ढुलाई की परमिशन दी है, उसी तर्ज पर टैक्सी यूनियन को भी परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन के वाहन लॉकडाउन के कारण खड़े हैं, लेकिन प्राइवेट वाहन विभिन्न तरीकों से सवारियां ढो रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें अब काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। टैक्सी चालकों को अपना व परिवार का पालन पोषण करने में भी अब मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि टैक्सी चलाने की परमिशन दी जाए। प्रदेश सरकार और अपने लोकल प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस बेस पे ट्रकों को परमिशन दी गई है चलाने पे, उसी बेस पे हम टैक्सी वालों के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत सोचा जाए, क्योंकि हम भी डेली पर बेस पे कमाते हैं, सुबह कमाएंगे शाम को खाएंगे। हमारी लॉकडाउन की वजह से पूरी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है, घर पे खड़ी है। हमारी बेसिक मंथली ईएमआई है, टैक्स है, परमिशन है, पासिंगे है, अथॉरिटी है, इंश्योरेंस है, हम इतना फंड नहीं कर पाएंगे। अतः हमारा लोकल प्रशासन और एसडीएम सर और हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे निवेदन करते हैं कि किसी शर्तों पे, कोई भी शर्तों पे हमें टैक्सी यूनियन के लिए कुछ गाड़ियों की परमिशन दी जाए, ताकि हम अपने परिवार का चला सकें और अपने महीने की किस्तें दे सकें। अर्की प्रशासन से विनती करता हूँ कि जो हमारी टैक्सी खड़ी हुई है, कुछ टैक्सियों को परमिशन दी जाए, जिससे हमारा परिवार चले और हमारे को थोड़ी राहत मिले। और जैसे कि अर्की में हमारी प्राइवेट व्हीकल चल रही है, हमारी टैक्सी खड़ी हुई है, हमारी गाड़ियाँ काम नहीं कर रही है और प्राइवेट गाड़ियाँ काम कर रही है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और हमारा एसडीएम से भी निवेदन है कि हमारे को कुछ गाड़ियों की परमिशन दी जाए। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।